जबरदस्ती सरकार को चिमड़े बैठा है दुष्यंत चौटाला, जिसको हर रोज वो धक्के मारकर बेइज्जत करते हैं, वो शाम को जाके उनकी गोदी में फिर बैठ जाते हैं। पैसा कमाने की हवस जो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। कहते थे मनोहर लाल खट्टर जी को जमुना पार करवा कर आएंगे, परंतु मनोहर लाल खट्टर की गोदी में दोनों भाई जबरन चिपके बैठे। कहते हैं कि औलाद पता नहीं किसको कैसी पैदा हो जाए, परमात्मा सबको अच्छी औलाद दे। एक ऐसा व्यक्ति भी जो किसान की हिमायत की बात करता है, जबरदस्ती चिमड़ जाता है ना कोई, जबरदस्ती सरकार को चिमड़े बैठा है दुष्यंत चौटाला, जिसको हर रोज वो धक्के मारकर बेइज्जत करते हैं, वो शाम को जाके उनकी गोदी में फिर बैठ जाते हैं। केवल और केवल पैसे की हवस, पैसा कमाने की हवस जो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, वो इतनी ज्यादा है कि सम्मान और अपमान का कोई समझ उनको नहीं। कहते थे मनोहर लाल खट्टर जी को जमुना पार करवा कर आएंगे, परंतु मनोहर लाल खट्टर की गोदी में दोनों भाई जबरन चिपके बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये जंग केवल और केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो इसे केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई मानते हैं। सत्ता परिवर्तन हो जाए, नौकरियों की फिर बंदरबांट हो जाए, उसका फायदा क्या आपको? सत्ता परिवर्तन हो जाए, अफसर फिर आपको परिवार परेशान पत्र में परेशान करते रहे, आपको उसका क्या फायदा? रणदीप बने, कोई और बने, आपको उसका क्या फायदा? कुछ साथियों का मुझ में मोह हो सकता है, कुछ साथियों का गुप्ता जी में मोह हो सकता है। जो लोग ये इस प्रकार का नारा देते हैं, वो शायद हरियाणा की माटी और संस्कृति को समझते नहीं, वो हरियाणा की समस्या को समझते नहीं। क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में जो लगभग 68 साल में जितना कर्जा था, उसका 500% और बढ़ गया, यानी 5 गुना और बढ़ गया। पंजाब तो बिकने की कगार पे खड़ा, हरियाणा भी लगभग बिकने की कगार पे खड़ा हो गया। जब अगला चुनाव आएगा, हरियाणा का कर्जा 2 लाख करोड़ को टप जाएगा, यानी हर साल हमें लगभग 19 से 20 हजार करोड़ ब्याज के देने पड़ेंगे। मूल तो अलग बात है मेरी छोटी बहन, कैसे चलाओगे साहब प्रांत?